आगामी चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में महामंथन कर रही है। दो दिनों तक चलने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी से लेकर सभी वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। इस बैठक की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए की। वहीं शाह ने 2019 में पहले से अधिक बहुमत के साथ सत्ता में आने का संकल्प भी लिया। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा और आम चुनाव में अब काफी कम वक्त बचा है, जिसे लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इसके मद्देनजर राजधानी दिल्ली में बीजेपी दो दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक कर रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठनात्मक स्थिति की समीक्षा, पार्टी के विस्तार, विकास और जन कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बाढ़, तेल उत्पादों के बढ़ते दाम, गिरते रुपए, सवर्णों के विरोध समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार रणनीति बना रही है। लेकिन इन सबसे पहले बैठक की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के भाषण के साथ हुई। शाह ने अजय भाजपा का मंत्र देते हुए 2019 में पहले से अधिक बहुमत से सत्ता में आने का संकल्प कराया। उन्होंने कहा कि हमारे पास दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए हमारी जीत पक्की है। इस दौरान शाह ने सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और उसका प्रचार प्रसार निचले स्तर तक करने पर भी जोर दिया। शाह ने कहा कि तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा तेलंगाना पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, इसलिए सभी अपनी तैयारी पूरी रखें। वहीं बताया जा रहा है कि अब रविवार को पीएम मोदी समापन भाषण देंगे। डीबीलाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।